अपने सपनों को सच करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता, और जो इस सपने के पीछे चलता है उसके सामने दुनिया भी सिर झुका लेती है। ऐसा ही कुछ दिखाया जाएगा मूवी मिलियन डॉलर आर्म में। ये फिल्म एक बायोलॉजिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे दो देसी लड़के रिंकू सिंह और दिनेश पटेल अपना जोहर दिखाएंगे बेसबॉल में। बेसबॉल एक ऐसा खेल है जिसका जिक्र इंडिया में ना के बराबर होता है। ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है। मशहूर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक तैयार किया गया है। कुछ ऐसा बताया फिल्म के बारे में फिल्म के एक्टर मधुर मित्तल ने। स्टोरी इज अ ट्रू स्टोरी, पूरी तरह से सच्ची कहानी पर आधारित है, और एक ऐसी कहानी जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना। ट्राइंग टू फाइंड द फर्स्ट बेसबॉल पिचर फ्रॉम इंडिया, और एक शो करते हैं कॉल्ड मिलियन डॉलर आर्म, जिसमें दिनेश और रिंकू, जो कि बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से हैं, उभर के आते हैं आगे, और उसके बाद उन्हें ले जाया जाता है अमेरिका, सिर्फ दस महीने की ट्रेनिंग के बाद। दिस इज 10 months आफ्टर दे हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ बेसबॉल। दे वर पिक्ड बाय प्रोफेशनल बेसबॉल टीम जिसका नाम था पिट्सबर्ग पायरेट्स। तो ये ट्रिमेंडस स्टोरी है। लाइफ्स कनेक्ट होती हैं, लाइफ्स चेंज होती हैं, जे बी एज अ पर्सन चेंज होते हैं, बच्चों में, इन दोनों लड़कों की लाइफ में भी क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हमारी कहानी। 16 मई रिलीज होने वाली ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एंटरटेनमेंट डेस्क से ईरा कुमार के लिए जयदीप पित्रा, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।